भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी जारी। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया और एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीनियर भारतीय सिफारतकार को तलब करके भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया गया। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानबूझकर शहरी आबादी पर भारी हथियारों और तोपों से गोलाबारी की। भारत सीज फायर मुआहदे का एहतराम और खिलाफ वर्जी की तहकीकात करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 5 सितंबर को राग चक्री सेक्टर पर भारतीय फायरिंग से 19 साल नौजवान तारिफ जख्मी हो गया था, जबकि रवां बरस भारतीय अफवाज 2158 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर चुकी है, जिसके नतीजे में अब तक 17 शहरी शहीद और 168 जख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय तर्ज अमल खित्ते की अमन और सलामती के लिए खतरा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत अक्वामे मुत्तहिदा के फौजी मुबसर ग्रुप को काम करने की इजाजत दे।